नमस्कार दोस्तों, आज जानिए सत्यनारायण के व्रत की कथा के बारे में। सत्यनारायण व्रत के नाम से ही आप जानते हैं कि सत्य के व्रत का यानी कि जो व्यक्ति अपने सुख समृद्धि को पाना चाहता हो, जिसका धर्म अर्थ और काम मोक्ष से पीछा छुड़ाना चाहता हो, तो वह व्यक्ति सत्यनारायण व्रत की कथा करते हैं और सुनते हैं। जो व्यक्ति अपने कार्य को सफल बनाना चाहते हों, वह भी इस व्रत को रखते हैं। मेरी वीडियो के दौरान जानिए कि सत्यनारायण व्रत करने से आपको कितने लाभ होते हैं। सत्यनारायण का व्रत वैसे मनोकामना की पूर्ति के लिए भी कहा जाता है। इसमें एक खास बात ये भी है कि आप सत्यनारायण का व्रत किसी भी दिन और किसी भी महीने में कर सकते हैं। वैसे खास चैत्र मास, बैसाख और श्रावण में माना जाता है। कहते हैं यदि आप इन महीनों में सत्यनारायण व्रत की कथा या व्रत करते हैं, इसे करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सत्यनारायण व्रत की कथा में एक बार नारद ऋषि पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए हुए थे। भ्रमण करते हुए उन्होंने देखा कि व्यक्ति हर कोई मनुष्य अपने दुखों से जूझ रहा है, तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि इन सब समस्याओं का समाधान के लिए आप कुछ कीजिए जिससे कि मनुष्य को इन कार्यों से जूझ जाना पड़े। तब विष्णु ने कहा कि जो व्यक्ति सत्यनारायण का व्रत श्रद्धा भाव से करता है, तो उससे उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और उसकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। सत्यनारायण का रूप भगवान विष्णु का ही अवतार है। कहते हैं सत्यनारायण भगवान की अगर आप सच्चे मन से पूजा करते हैं और पंचामृत बनाते हैं, पंचामृत बनाने के बाद उसमें पंजीरी बनाते हैं जिसमें गेहूं का भुना हुआ आटा और उसमें किसी भी तरह के फल मिक्सित कर आप पूजा करने के बाद उसे बांट सकते हैं। ऐसा करने से भी यह व्रत सफल माना जाता है और मनोकामना पूर्ण होती है। सत्यनारायण व्रत में महत्वपूर्ण चीज़ रखती है तुलसी के पत्ते। कहते हैं अगर तुलसी के पत्ते प्रसाद में मिला दिए जाएं, तो इससे प्रसाद बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। तुलसी के पत्ते, आपको मैंने पहले वीडियो में बताया है कि तुलसी सिर्फ शालिग्राम के साथ ही चढ़ाई जाती है और शालिग्राम कोई और नहीं विष्णु के ही अवतार है, इसलिए तुलसी का महत्व सत्यनारायण व्रत में बहुत ही मान्यवर रखा जाता है। कहते हैं इसमें कहानी भी सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। जो व्यक्ति इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनते हैं और इस पर अमल करते हैं, उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सत्यनारायण व्रत के बाद आरती से पूजा की समाप्ति की जाती है। आरती के समय कपूर को प्रज्वलित किया जाता है और मूर्ति यानी कि सत्यनारायण की मूर्तियों के सामने फिर उस दीपक से आरती घुमाई जाती है। उसके बाद सबको पंचामृत और पंजीरी के साथ प्रसाद बांटा जाता है। इससे कहते हैं कि सारे जो भी आपके कष्ट या दुख होंगे वो दूर हो जाते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण भी हो जाती है। सत्यनारायण व्रत वैसे सभी व्रतों से अलग माना जाता है। कहते हैं सत्यनारायण व्रत को आप कहीं किसी भी जाति का व्यक्ति कर सकता है। इसमें किसी भी पंडित की आवश्यकता नहीं होती। आप घर में, बाहर या फिर मंदिर में भी इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आप सत्यनारायण के व्रत में विष्णु जी के अवतार को जरूर रखें और उनके साथ शालिग्राम यानी कि लाल या काले पत्थर को जरूर रखें। उनकी पूजा करने से ही ये व्रत सफल माना जाता है। तो ये थे कुछ कारण कि सत्यनारायण व्रत के करने से आपको क्या फायदे होते हैं। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।